गाइस, मेरा नाम है निकुंज बंसल और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज एक नई वीडियो में मेरा आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आप सोच रहे हो क्यों स्पेशल होने वाली है? भाई इसलिए क्योंकि आज हम लोग खेलने वाले हैं स्नाइपर के साथ, और जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी उन्हें पता होगा कि मैं अभी स्नाइपर चलाना सीख रहा हूँ। तो भाई अभी मेरी बस स्टार्टिंग है प्रैक्टिस, और आज मैं सीधे क्लासिक के 1v1 में स्नाइपर प्रैक्टिस करने आ चुका हूँ। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखते हैं कहाँ जाते हैं आज। उससे पहले, सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। तो भाई हैंगर पर चलते हैं, हैंगर पर ब्लू जोन भी आज शायद स्नाइपर मिल जाए। मैं डबल स्नाइपर खेलेंगे आज, चाहे फिर वो AW हो, K98 हो या M82 हो। इस चक्कर में आज मैं बाउंटी भी लेके आया हूँ, इवेंट चल रहा था तो मेरे को फ़ायदा हो गया। और आज मैं शार्प शूटर की एबिलिटी भी लेके आया हूँ, उस लड़की में नाम तो नहीं पता, ये देखिए। और ये मैक्स भी नहीं है मेरी, ये मेरी शायद लेवल 4 की एबिलिटी है जहाँ तक मेरे को याद है। देखें तो सिर्फ एक बंदा उतर रहा है, वो भी काफ़ी दूर जा रहा है। लोग जल्दी से गन को लूट के स्नाइपर लेके, क्योंकि यहाँ पे मशीन भी होती है जो टोकन से खरीदते हैं, वो लेके स्नाइपर हम फिर लोगों को ख़त्म करेंगे। जो हो रहा है, एक बंदा हम रश करेंगे। शायद बहुत लो है वो जहाँ तक है। और ये भाई बहुत ही ओपी सा हेड शॉट, टू शॉट तो मतलब टू टैप, इस शॉट के लिए तो लाइक बनता है। ओ भाई हमें मिल चुकी है स्नाइपर हमारी, और मैं अभी ले लेता हूँ शॉटगन। और दो, एक बंदा हो रहा, एक पड़ा उसे। उसे पता नहीं चला होगा क्योंकि मैंने साइलेंसर लगा रखा है। बहुत लो है उस वक्त जहाँ तक है, 135 का उसे शॉट पड़ा था, अगर फेक डैमेज ना हो तो। हम रश अगर ऐसे करें तो देखते हैं बस। भाई ये बंदा मर चुका है, तो बहुत ही सही तरीके से हमने इसे बहुत ही इजीली मार दिया। तो इस किल के लिए तो लाइक बनता है। और एक बार मैं पूरे हैंगर को चेक कर लेता हूँ, स्नाइपर हुई तो ठीक है, वरना फिर यहाँ से हम स्नाइपर खेलेंगे। और इस बंदे ने हमें लाइक भी कर दिया है यार, चलो अच्छा बंदा था। आप भी ऐसी इसी बंदे की तरह लाइक कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर कर दीजिए और भर भर के अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए। एक मिनट, ऊपर, अरे ऊपर भी एक बंदा है, अरे नीचे कूद गया यार। कोई नहीं, हम इसे मारेंगे। ये भी मर गया। मैंने तो गाइस तुक्के में चेक करा था, क्योंकि मुझे ड्रेस से ये जो उसकी आउटफिट थी उसी से डाउट हो रहा था। चलो भाई, तो हमारे पास इस वक्त जहाँ तक है सही लूट है। शॉर्ट रेंज के लिए हमारे पास बेस्ट शॉर्ट गन है, जो कि सबसे बेस्ट शॉर्ट रेंज को संभालती है यार। सही में इससे ना मैंने काफ़ी, मतलब कहते हैं ना हारती बाजी को पलट देना, वो इससे मैंने बहुत करा क्लैश क्वाड में। मुझे लगा कोई बंदा था अभी। तो गाइस ये तो यहाँ पे मरे हैं, एक दो बंदे सामने भी उतरे थे, सामने वाले बंदों को भी हम मारेंगे। ये लैंडमाइन ले लेते हैं लेवल 3 के, हमारे पास 2 मंजिल हो गए। ब्लू जोन का गाइस यही फ़ायदा होता है कि आपको बहुत ही बढ़िया लूट मिल जाती है। शायद मेरे पास अभी तक एक भी टोकन नहीं है। हाँ बताओ, टोकन नहीं मिला, सब मिल गया, टोकन ही नहीं मिला। एक मिनट, तो गाइस ये आ चुका हूँ बीमा शक्ति की तरफ। एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे फाइट हो रही है।
कि हमने एक बंदा मार दिया, एक बंदा यहाँ पे भी छुपा हुआ है। चल यार दिख जा, जो लगता है रश्मि करना पड़ेगा इस बंदे पे। हमने एक और बंदे को मार दिया भाई, शायद उधर भी एक बंदा है क्योंकि इसने उस तरफ ग्लू वॉल लगाई थी। हमें थोड़ा संभल के खेलना हो तो भाई, हैंगर को मैंने पूरे अच्छे से चेक कर लिया था, वहाँ पे एक भी बंदा नहीं बचा। इसकी बाउंड्री में कुछ ऐसा खास नहीं है। तो आई हमने 5 किल कर लिए हैं और वो भी सिर्फ स्नाइपर से, एक तो शायद स्टार्टिंग में दूसरी गन से हुए थे, और सिर्फ एक और बंदा बचा। इसी बात पे भाई लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में भर दो। चेक करो आई अच्छे से, यहाँ पे तो कोई बंदा नहीं है क्योंकि जोन के अंदर से भी कभी कभी बंदे आ जाते हैं यार, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो जोन के अंदर से आते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटेंस मैच हो गया क्योंकि सिर्फ एक बंदा बचा और मेरे पास है सिर्फ डबल स्नाइपर। तो यार हम इस लूट के पास जाते हैं यार, तीन तीन बाउंड्री पड़ी हैं भाई, देखते हैं इन बाउंड्री में कुछ है या नहीं है। लेवल 3 का हेलमेट मिल गया। एक मिनट गाइस, सामान निकाल देता है थोड़ा सा आलतू फालतू। एक तो ये स्कोप ऑन हो रहा बार बार, काफी सही लूट मिली यार इन बॉक्सेस से, क्या बोलते हैं ना, लूट बॉक्स। तो मेरे हिसाब से गाइस बीमा शक्ति की तरफ तो बंदा नहीं है और हम यहाँ पे जा रहे हैं। चलो एक तो अगर वो ऊपर हुआ ना तो उसे हाइट का एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि गाइस जो ऊपर वाले बंदे होते हैं ना, हाइट का एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें बस हल्का सा ड्रैग करना होता है और हमारे हेड शॉट पे ऑटोमेटिकली एम हो जाता है। एक बार जोन चेक कर लेते हैं। चलो मैंने सही जगह मार्क करा है, लास्ट जोन उधर ही बनेगा। हम गाइस हमें थोड़ा संभल के खेल रहा हूँ क्योंकि बंदा कहीं से भी हमें स्पॉट कर सकता है, हम बिल्कुल ओपन में हैं और हमारा पूरी स्नाइपर की मेहनत बेकार जा सकती है। एक साइलेंस और मिल जाए तो भाई मजा आ जाएगा। अरे बंदा है कब, मुझे तो लग रहा है जोन से एलिमिनेट हो जाएगा यार। ये ग्लू वॉल नहीं लग रही यार, बताओ पहले थोड़ा सा हील कर लेते हैं अपने आप को। यार सही खेल रहा है बंदा, वैसे एक बार अपनी शक्ल दिखा दे। यार एक तो ये चेंज हो रही है ना स्विच, ये देखो ये 123 का पड़ा।
ओ भाई यार, एक तो ये स्विच नहीं हो रही ना कल, एक और पड़ा, ये हो गया भाई हमारा पू है। तो जिस जिसको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो भाई भर भर के लाइक ठोक देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। एक बंदे ने हमें लाइक